रजौरी गार्डन में राम के छोले भटूरे, वो भी उसकी दुकान के पास जाके, थोड़े प्याज, हरी चटनी और गाजर का अचार और मिर्च का अचार। तो चलते हैं फिर टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे हैं राम के छोले भटूरे। वैसे टेस्ट करने के लिए ना मेरे को काफ़ी दूर जाना पड़ेगा यार, क्योंकि मैं अभी हूँ चंडीगढ़ में, मेरा घर यहीं पर ही है। अब यहाँ से मुझे पकड़नी है ट्रेन, सामने है चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन, तो चलते हैं। तो लगभग एक घंटा लेट पहुंच चुकी है ट्रेन दिल्ली, अब यहाँ से मेट्रो पकड़ के जाना है। ये ले लिया टोकन, अब पकड़ते हैं मेट्रो। हाँ जी, तो ये रही वो मेरे सामने फेमस रामा छोले भटूरे वाली दुकान, जिसका जिक्र विराट कोहली जी ने किया था। और यार यहाँ पे भीड़ देख सकते हो, कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं छोले भटूरे को। तो हम भी चलते हैं, ट्राई करते हैं, मतलब देखते हैं कि क्या टेस्ट है। वैसे कॉस्ट है इसकी 100 रुपये, अब जल्दी से टेस्ट करते हैं यार। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, क्या बताऊँ आपको, इस टाइम पर दिल्ली का ये हाल है। और लोकेशन है इसकी तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने, ये है रामा छोले भटूरे। वैसे मैं इसकी गूगल मैप की लोकेशन डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और बिल्कुल सामने अगर आप वहाँ देखोगे ना, तो वो है सामने अरोड़ा स्टोर, आपने सुना होगा, जो बीटेक पानीपुरी वाली है, उसकी कार्ड वहीं पे लगती है। तो करते हैं ट्राई, देखते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में जो कह दिया, बचपन में बच्चे आते हैं संडे को खेलने, अच्छा, तो यहाँ पर सवेरे अभी भी आते हैं काफी बच्चे, अच्छा, बैट क्रिकेट हॉकी लेके बैठ लगे यही स्टेडियम है, छोटे छोटे, तो वो यहाँ खाते थे, जाते थे, वो तो बता लिखा होगा, अच्छा, हमें आता नहीं देखा, अच्छा, देखा नहीं आता। मेरी प्लेट है, ये कुछ हैं छोले भटूरे ऐसे। सबसे पहले इन्हें देखते हैं इसके अंदर स्टफिंग वगैरह क्या है। अच्छा जी, स्टफिंग में ऐसे कुछ डाल रखा है इन्होंने, क्या है यार ये, भाई गरम बहुत ज़्यादा है यार ये, तो पनीर वगैरह डाल रखा है इसके अंदर। हो सकता है सामने ना रोड है, ट्रैफिक है, तो हो सकता है मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर क्लियर ना आए, मैनेज कर लेते हैं। देखते हैं छोले और साथ में क्या दिया है, हरी चटनी है, मिर्च का अचार है और थोड़े प्याज है। तो ये बनी है प्रॉपर विराट कोहली वाली बाइट, जिसमें है छोले हैं, साथ में प्याज है और ये मिर्च का अचार है। मुझे भटूरे से ज़्यादा ना इनके छोले अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नरम है, सॉफ्ट एकदम स्मूथ है। और बाकी भटूरे के अंदर देख लो स्टफिंग पे इन्होंने कर रखी है, पनीर डाला है, साथ में ये इधर धनिया हो गया, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो पनीर है, साथ में धनिया भी डाल रखा है और क्या है, हाँ दो ही चीज़ें हैं, हल्की हल्की स्टफिंग है, वैसे अगर ज़्यादा डाल देंगे ना तो ये भटूरा फट जाएगा। तो मैं इसे ख़त्म करके आपसे मिलता। हाँ जी, तो इस वीडियो के जो आगे वाली फाइल थी यार, वो मेरे से गलती से हो गई है डिलीट, तो कोई बात नहीं, मैं इसीलिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ। बात करूँ छोले भटूरों की, तो इन दोनों में यार सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे को इनके जो छोले थे ना वो लगे थे, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट थे, मुंह में जाते यार बड़े आराम से घोल रहे थे। हो सकता है कुछ लोगों को ये अच्छे ना लगे, क्योंकि सबका अपना अलग अलग एक टेस्ट होता है। और यही था मेरी तरफ से रिव्यू, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ सीधा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय, जय हिंद।